रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में लापरवाही, कभी भी बढ़ सकता है खतरा। अपनी लापरवाही को लेकर चर्चाओं में रहने वाले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इन दिनों रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। स्थिति यह है कि अनेक वर्षों का यह रिकॉर्ड यहां ऐसे ही और व्यवस्थित रूप से पटक रखा है। ऐसा लगता है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को रिकॉर्ड के मामले में किसी हादसे का इंतजार है। वैसे तो इंदौर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कई विसंगतियां हैं, कई पद रिक्त पड़े हुए हैं और अस्थाई कर्मचारी महत्वपूर्ण कामों को निपटा रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो फाइलें और रिकॉर्ड तक उनकी पहुंच ही नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां देखने में आया है कि इन विसंगतियों के और कोई ध्यान नहीं दे रहा है और सब भगवान भरोसे चल रहा है। आप, मैं, हमारे कैमरा मैन को बताना चाहूँगा कि पीछे देखिए आप, जिला शिक्षा विभाग कार्यालय का ये रिकॉर्ड यहाँ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इस रिकॉर्ड के अस्त व्यस्त और लापरवाही को पड़े होने के कारण कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि यहाँ इस रिकॉर्ड में बंद है, उनके साथ कभी भी छेड़छाड़ या खिलवाड़ हो सकता है। यहाँ कोई यदि यहाँ आकर कुछ बंडल भी लेके चले जाए, कुछ गायब भी कर दे, तो किसी को कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कक्ष की कमी है, लेकिन पता नहीं क्यों इस रिकॉर्ड को भी बहुत अव्यवस्थित खुले में ही रखा गया है। इस मामले में कोई भी अधिकारी कैमरे पर पूरी जिम्मेदारी से बोलने को तैयार नहीं है। खबर पर नजर के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय इंदौर से मैं संजय नजान, शैलेंद्र श्रीमान और उत्तम राव पाटिल की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।